वालेकुम दोस्तों क्या हाल है आपके मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे तमाम दोस्त व्यूअर्स हजरात खैरियत से होंगे तो दोस्तों आज के रिश्ते की तरफ बढ़ते हैं इससे पहले हमारी छोटी सी गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को भी दबा दिया करें ताकि हमारी आने वाली हर नई से नई रिश्तों के बारे में जो है वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सकें तो आज का जो रिश्ता है मैं आप भाइयों के लिए लेकर आया हूँ ये जो ख़ातून हैं इनका नाम साजदा बीबी है उम्र जो है इनकी वो इस वक्त फोर्टी वन ईयर यानी कि इकतालीस बरस है इकतालीस साल उम्र है साजदा नाम है देखने में भी ठीक ठाक हैं ख़ूबसूरत हैं स्लिम हैं अच्छे ख़ानदान से हैं तो इसके अलावा जो है यहाँ मैं आपको एक, एक बात बताता चलूँ कि ये एक तलाक़ याफ्ता हैं तकरीबन चार साल कर्सा या इससे शायद कुछ ज़्यादा कर्सा हो गया है इनके तलाक हुए ए, तो जो है दो बेटियां हैं दोनों बेटियां इनके पहले शोहर के पास ही रहती हैं यानी कि अपने बाप के पास रहती हैं तो सादा जो हैं इनकी तालीम एफए ए है यानी कि बारह जमात पास हैं जॉब वगैरह तो नहीं करती घर में ही इस वक्त रहती हैं इनकी जो कास्ट है ये राना बरदरी से इनका ताल्लुक है मुसलमान हैं फिरका जो है इनका वो सुन्नी है इसके अलावा अच्छे ख़ानदान से हैं चार बहन भाई हैं तमाम शादीशुदा हैं तो इनके जो वाल साहब हैं मोहम्मद अब्दुल लतीफ़ साहब वो जो है चाहते हैं कि अपनी इस बेटी की दोबारा से शादी कर दें ताकि ये भी अपने घर की हो जाए और हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजार सके तो इसी सिलसिले में इनको किसी ऐसे रिश्ते की तलाश है कि लड़का जो हो उसकी उम्र जो है वो पचास साल तक भी हो तो वह रबता कर सकता है इसके अलावा पहली या दूसरी शादी करना चाहता हो शादी के मामले में बिल्कुल सीरियस हो तो वो हमारे दोस्त मर्द हजरात जो शादी के मामले में बिल्कुल सीरियस हैं और पहली या दूसरी या तीसरी भी शादी करना चाहते हों पचास साल तक हो पाकिस्तान के किसी भी शहर में रहते हों वह रहा कर सकते हैं ये जो ख़ातून है साजदा बीबी इस वक्त जो हैं ये गुजरा वाला सिटी में रहती हैं अपने जो है वालदे के घर पर तो इनसे रबता करने के लिए आप बर मेहरबानी अपनी तमाम तर तफसी के साथ अपना व्हाट्सअप का नंबर वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दें हम इन श्ला जितनी जल्दी हो सकेगा आपसे रब्ता ज़रूर करेंगे और अगर आपके नसीब में हुआ तो ये रिश्ता आपके लिए ज़रूर खुशियाँ लिखा आएगा तो दोस्तों इसी के साथ ही हमें इजाज़त दें और हमारी छोटी सी गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को भी दबा दिया करें शुक्रिया